नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु सरकार है। मैं राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय मसवाड़ा के अंदर सहायक आचार्य हूँ तथा कंप्यूटर साइंस ब्रांच का विभाग अध्यक्ष भी हूँ। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा चलाए गए कंप्यूटर लिटरेसी इन स्कूल प्रोग्राम के तहत आज अपना प्रथम लेक्चर है। इसी श्रृंखला में अपन तकरीबन 5 से 6 लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, और इन लेक्चर्स के अंदर अपन कंप्यूटर से संबंधित जो भी सामान्य जानकारियाँ हैं जो कि विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, उनके दैनिक उपयोग के लिए उनको अपन सीखेंगे, जिसके अंदर विभिन्न विभिन्न जानकारी होंगी। उदाहरण के लिए कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर पार्ट होते हैं, इसके बाद कंप्यूटर को कैसे पहली बार चलाया जाता है, इसके साथ ही कंप्यूटर के अंदर जो सामान्य उपयोगी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, ऐसी तमाम जो जानकारियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है एक विद्यार्थी के जीवन के लिए, वो अपन देखेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर अपन कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है ये देखेंगे, और इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, किसने इसको बनाया और किस तरीके से इसको असेंबल किया जाता है, किस तरीके से इसको जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, ये सारी जानकारी आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते विद्यार्थियों, कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो तो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस संग्रहित तथा प्रदर्शित करता है। अर्थात एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें अपन डेटा को इनपुट कर सकते हैं, और वो इनपुट किया गया जो डेटा है वो प्रोसेस होता है, संग्रहित होता है तथा उसका जो परिणाम होता है वो अपन को प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर के अगर जब भी दिमाग में बात आए तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक अगर अपन बात करें तो एक होता है आपका हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर कार्य करता है, हार्डवेयर जो होता है जिसको अपन हाथ द्वारा छू सकते हैं और इसको कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब कंप्यूटर का अर्थ क्या है, तो यह एक लैटिन भाषा है, लैटिन एक भाषा चलती है, उस भाषा के अंदर कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। तो कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ है इसका मतलब होता है गणना करना। और इसके बाद एक प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है या बच्चों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो एक लंदन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। जो चार्ल्स बेबेज है उन्होंने 1882 में, 1882 बहुत पुरानी बात होगी, 1882 के अंदर कंप्यूटर का सर्वप्रथम कंप्यूटर का आविष्कार किया था और इनका जन्म लंदन के अंदर हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के जनक कहा जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, पिता कंप्यूटर के पिता कहा जाते हैं, और 1882 के अंदर इन्होंने प्रथम कंप्यूटर मशीन बनाई थी। देखेंगे अपन कौन कौन क्या मशीन थी। तो देखो यहाँ पर ये आपको एक चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो लेफ्ट की तरफ ये बैठे हुए हैं ये चार्ल्स बेबेज हैं, उनका काफी पुराना फोटो है, और राइट साइड में आप देखोगे तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा। तो विद्यार्थियों ये एक मशीन है जो कि कंप्यूटर था, प्रथम कंप्यूटर है जो सबसे पहले बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो इसको कांच के बक्से में पैक किया गया है, आज भी संग्रहित है जहाँ पे इसको विकसित किया गया था। तो कुछ इस तरीके से प्रथम कंप्यूटर बनाया गया था जो कि गणना के रूप में यूज किया जाता था, और ये किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आगे देखते हैं, जब अपन कंप्यूटर की बात करें तो बहुत सारी पीढ़ियां आई, जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, जिसको इंग्लिश में जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब एक प्रश्न दिमाग में आएगा कि सर जनरेशन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या भिन्नताएं। अगर आप देखेंगे तो प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसकी जो साइज थी वो किसी कमरे के बराबर होती थी, ये बहुत बड़ा एक कमरा होता था जिसके अंदर आपका कंप्यूटर बनाया जाता था। द्वितीय जनरेशन की अगर बात करें तो उसके अंदर एक टेबल की जितनी साइज होती है उससे बड़ा एक कंप्यूटर होता था। थर्ड जनरेशन की बात करें तो कुछ तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर हुआ करता था जिसके अंदर
आपका जो सीपीयू उसके साथ जुड़ा हुआ होता था, ये आपका फोर्थ जनरेशन है और ये आपका आज की जनरेशन का फिफ्थ जनरेशन जो कि अपन देख रहे हैं। अभी में फर्क क्या है उसके लिए भी एक छोटा सा परिचय मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा इसको। जो प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर आया था वो 1942 से लगाकर 1959 59 तक 1959 तक इसका प्रथम जनरेशन चला था। और प्रथम जनरेशन जो है उसके अंदर जो एक डिवाइस यूज की थी उसको अपन बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्या बोलते हैं अपन? वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। और ये जो वैक्यूम ट्यूब होती है इसके साथ जो मेमोरी होती है मतलब डेटा को सेव करने के लिए अपन एक चीज यूज करते थे जिसका नाम क्या था आपका? पंच कार्ड। उसको अपन पंच कार्ड कहते हैं। बाकी इसकी कुछ खूबियां हैं, बहुत कॉस्टली होता था, मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, बहुत सारी हीट पैदा करता था, गर्म हो जाता था, बहुत बड़ी साइज होता था और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंज्यूम करता था। तो ये 1942 से लेकर 1959 तक पहला कंप्यूटर आया था इसके अंदर अपन वैक्यूम ट्यूब बूट करते थे। कुछ कंप्यूटर थे ENIAC, EDVAC, TBM701, ये कंप्यूटर के नाम है जब बनाए गए थे। उसी के बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया जिसको 1959 से 1965 1959 से 1965 के बीच आया। और इसके अंदर जो डिवाइस यूज होता था उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स बोलते थे, और जहाँ डेटा सेव होता था उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मतलब चुंबकीय टेप होती थी जिसके अंदर आपका डेटा क्या होता था? सेव होता था। इसके बाद इसकी बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर एक बार में एक ही चीज़ परफॉर्म होती थी, इसके अंदर अपन बैच बना के चीज़ों को प्रोसेस कर पाते थे। ये फास्ट था, साइज थोड़ी कम लेता था और रिलायबल था। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय था किससे? प्रीवियस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। और इसके कुछ नाम हनीवेल 400, CDC 1604, IBM 7030, ये उसके प्रकार है। फिर थर्ड जनरेशन आई कंप्यूटर की, जो थर्ड जनरेशन थी उस थर्ड जनरेशन के अंदर जो मेन पार्ट यूज किया जाता था उसको अपन आईसी बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे इसके अंदर। और इसके अंदर जो डेटा है उसको सेव करने के लिए अपन लार्ज कैपेसिटी डिस्क या अपन मैग्नेटिक टेप जो होते हैं उसका उपयोग करते थे। टाइम शेयरिंग ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो भिन्न भिन्न एप्लीकेशन पे टाइम शेयरिंग पे यूज किया जाता था। बहुत ही फास्ट था प्रीवियस सेकेंड जनरेशन की तुलना में, स्मॉल साइज लेता था, रिलायबल था और चीपर था। चीपर मतलब सस्ता आता था और अपन कह सकते हैं बहुत सुविधाजनक था अपडेट करने के लिए, इसमें परिवर्तित करने के लिए बहुत इजी था। तो ये आपकी थर्ड जनरेशन थी जो कि इस तरीके का आपका दिख रहा है। इसे कुछ कंप्यूटर हैं IBM 360, 370, CC 6600, PDP 8/11, तो इसके प्रकार है। फोर्थ जनरेशन आप देख रहे हैं, फोर्थ जनरेशन कब आई? तो 1975 से लगाकर 1978 1988 के बीच में फोर्थ जनरेशन आई, जिसके अंदर आप अगर बात करें तो प्रोसेसर एक नाम शक्ल ले चुका था, जो कि डिवाइस से वो नाम प्रोसेसर ले चुके थे। और कौन कौन से प्रोसेसर थे? प्रोसेसर मतलब आपको पता हो कि जब कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो एक वर्ड यूज होता है, कौन सा प्रोसेसर है? i3 है, i5, i7 है, ड्यूल कोर है, कौन सा प्रोसेसर है? तो उसी के अंदर ये प्रोसेसर बोलते हैं जिसको अपन VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी अपन बोलते हैं। इसके अंदर सेमीकंडक्टर मेमोरी थी डेटा को सेव करने के लिए और मैग्नेटिक टेप एंड फ्लॉपी डिस्क आई। पहले फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था, उसका इसमें उपयोग होने लगा। और मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? एक बार में अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं। प्रोसेसर एक कर्ता होते हैं जो कि किसी कार्य को करते हैं, तो एक से अधिक कर्ता इसके अंदर मौजूद थे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, GUI का मतलब होता है, देखो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ ग्रीन कलर की लाइनें दिख रही, तो पहले स्क्रीन ऐसी हुआ करती थी लेकिन उसके बाद जो स्क्रीन आई उसके अंदर कुछ ऐसी इमेजें आने लगी जिससे यूजर जो है वो इंटरेक्ट करने लगा, काम करने लगा, तो उसको अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। OS का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत स्मॉल होता था, उसको खरीदना सस्ता पड़ता था और इजी टू अपडेट, आराम से अपडेट कर सकते थे। इसे कुछ प्रकार हैं एप्पल, वैक्स, CRAY और 1/2, ये उसके कुछ टाइप्स हैं। उसके बाद आज अपना जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर उसकी बात करते हैं, जिसको अपन फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं, जो 1988 से लगाकर अभी प्रेजेंट तक अपन जो यूज करते हैं उसको अपन बात कर रहे हैं।
इसके अंदर भी आईसी यूज होती है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पहले वीएलएसआई वेरी लार्ज था, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज का मतलब एक छोटी सी चिप के अंदर इतने सारे छोटे 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 सर्किट थे जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते, या अपन देख भी नहीं सकते बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना इसको अपन चेक भी नहीं कर सकते। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क, इसकी जो क्षमता थी वो लार्ज थी। कुल मिला के आज के ज़माने का जो कंप्यूटर, उसको अपन फिफ्थ जनरेशन कह रहे हैं, जो कि 1988 1988 से आज तक चला रहा है। पावरफुल था, इसके अंदर इंटरनेट यूज़ कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। सस्ता था, इजी था, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, IBM, पेंटियम, परम, i7, i5, i6, i9, जो i7, i5, सॉरी i3, i5 और i7, इसके तीन वर्जन हैं, और हर बहुत सारे वर्जन हैं। आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ जो आज अपन यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलग अलग जनरेशन्स होती हैं जिसके अपन बात करेंगे। तो ये विद्यार्थियों एक सिंपल सा बेसिक परिचय था जिससे आप अवगत होने चाहिए कि कौन कौन सी जनरेशन आई और कौन कौन सी जनरेशन कब कब आई, और उसमें मेन डिवाइस कौन सा था। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि फर्स्ट जनरेशन आए जिसमें आपका वैक्यूम ट्यूब थी, सेकेंड जनरेशन आए जिसमें ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन आए जिसके अंदर आईसी थे, फोर्थ के अंदर आपके आईसी था जो कि वीएलएसआई टेक्नोलॉजीज के था, और फिफ्थ के अंदर आईसी था जो कि यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज के था। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके लिए मैं अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया है अपने कंप्यूटर का, वो अपन इसके बाद वाली स्लाइड में देखेंगे। इस वाली स्लाइड में अपन क्या देख रहे हैं, इस वाली स्लाइड में अपन देख रहे हैं कि ये कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे इसको आप डिस्प्ले डिवाइस कह सकते हैं, जिसको अपन मॉनिटर भी कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। इसी के साथ इसमें कीबोर्ड जुड़ता है, कीबोर्ड का उपयोग अपन किसी भी शब्द को टाइप करने के लिए यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार एक माउस होता है जिसके अंदर लेफ्ट और राइट दो की होती है, ये भी आपका टाइपिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसको अपन हेडफोन बोलते हैं, जिसकी सहायता से अपन ऑडियो सुन सकते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपका प्रिंटर है जिससे अपन प्रिंट निकालते हैं, जिसको अपन आउटपुट डिवाइस कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका उपयोग, इसके बिना कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है, बिकॉज सारी चीज़ें जो इसका ब्रेन वैन जो भी होता है सब इसके अंदर होता है। आज अपन, जब मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जो मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और स्पीकर है जिसे हेडफोन की आवाज़ केवल अपने कानों में आती है, स्पीकर की आवाज़ थोड़ी लाउडली आती है, अपन बाहर सुन सकते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों ये थोड़े से कुछ पार्ट थे, अब अपन बात करते हैं वीडियो की जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसकी अगर अपन बात करें तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो आप सुनिएगा इसको, ये कंप्यूटर है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनको असेंबल करके मैं बताऊंगा आपको अभी, तो सुने इसको। सो देखिए फ्रेंड्स, ये अपना कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर अपन डिस्कस कर रहे हैं आज। इस कंप्यूटर के एक एक पार्ट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये अपना कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड का उपयोग अपन जो कंप्यूटर है उसके अंदर इनपुट देने के लिए करते हैं। इसी के साथ एक माउस है जिसको अपन आज कनेक्ट करेंगे, इसका उपयोग अपन स्क्रीन पे चलाने के लिए करते हैं, इसको भी मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा। इसी के साथ इसको अपन डिस्प्ले बोलते हैं, ये जो डिस्प्ले होता है क्योंकि आपका मॉनिटर कहलाता है, इसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ इसको बोलते हैं अपन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू ही आपका मेन काम करता है कंप्यूटर का, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपको बताऊंगा। इसके अंदर कुछ पोर्ट्स दे रखी हैं, इसको अपन यूएसबी पोर्ट्स कहते हैं, ये आपकी हेडफोन के लिए है, एक हेडफोन के लिए, एक माइक के लिए है, और ये पावर बटन है जिससे अपन पावर ऑन करते हैं। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे तो ये लिखा है डीवीडी राइटर, मल्टीपल रिकॉर्डर, तो ये डीवीडी राइटर है जिससे अपन डिस्क वगैरह है जो अपन चलाते हैं। साथ ही यहाँ आप देखेंगे तो ये एक प्रिंटर है जिसका यूज, मल्टीपल प्रिंटर है जिसका यूज अपन फोटोकॉपी के लिए भी कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये भी एक बेसिक कंपोनेंट है जिसका उपयोग अपन प्रिंटर के लिए करेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको सीपीयू के अंदर क्या क्या पोर्शंस होते हैं वो आपको डिस्कस करूंगा, फिर इसको कनेक्ट करके चालू करके बताऊंगा। तो चलते हैं, ये आपका जो सीपीयू है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका पीछे के कुछ पोर्शन होते हैं, उसको अपन जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे वायर दिखेंगे, ये बहुत सारे वायर्स इसके अंदर दे रखे हैं। हर कंपोनेंट्स, हर पार्ट क्या क्या होता है वो आज अपन देखते हैं। तो देखें दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे बड़ा सा एक, बहुत सारे वायर्स वाला एक
बक्सा दिखेगा जिसको अपन बोलते हैं पावर सप्लाईज, SMPS बोलते हैं, जिससे अपनी पावर आती है। ये जो पावर होती है, इसी पावर से ये पूरे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे कंपोनेंट चलते हैं। यहाँ पे आप देखो के तो ये DVD राइटर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपकी हार्ड डिस्क है। इसको गौर से देखें, इसको अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी आपकी एक हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला तो ये आपकी रैम है। इसको अपन रैम बोलते हैं, आपको निकाल के बताता हूँ मैं, ये आपकी रैम कहलाती है। अब रैम में और हार्ड डिस्क में क्या फर्क है? एक्चुअली जो रैम होती है उसकी साइज जो होती है वो कम होती है, लेकिन स्पीड ज्यादा होती है। करीबन 2 GB से लेके 1 GB से लेके 8 GB तक और 16 GB तक आज अपन लगाने लगे हैं। और हार्ड डिस्क जो होती है वो 250 GB, 512 या फिर 1000 TB तक की अपन लगाते हैं। तो हार्ड डिस्क जो होती है उसका उपयोग जो होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए अपन करते हैं, जबकि जो रैम होती है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको अपन बोलते हैं करंट वर्किंग मेमोरी। और जो करंट वर्किंग मेमोरी होती है उसका उपयोग अपन जब भी इस कंप्यूटर को चालू करेंगे तो कंप्यूटर चालू होने के बाद जितने भी प्रोग्राम अपन चलाएंगे वो सारे करंटली किसके अंदर चलते हैं? इस रैम के अंदर। तो रैम जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, उतना ही अच्छा आपका स्पीड होगी CPU की। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है जिसको अपन कूलिंग फैन कहते हैं। इस पंखे के नीचे एक चिप लगी हुई होती है, वो जो चिप होती है उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या होगा, एक तरीके से इस कंप्यूटर का ब्रेन है, उसी के आधार पर चलता है। तो इसके अंदर सेकंड जनरेशन का इंटेल का i3 प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद इसको कूल करने के लिए कूलिंग फैन लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं कूलिंग फैन। जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है ये चलने लग जाता है और उसको ठंडा करता है, क्योंकि वो चलता है तो वो गर्म हो जाता है। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो अपना बहुत सारे वायर रखे हैं, तो ये जो वायर आपको दिख रहा है ये मदरबोर्ड, ये जो मदरबोर्ड आपको ये पूरा नेवी ब्लू कलर का दिख रहा है, ये पूरा जो बोर्ड दिख रहा है इसको अपन मदरबोर्ड बोलते हैं। इसको पावर देने के लिए इसको यहाँ से पावर जाती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है उसके लिए अपन यहाँ से पावर देते हैं, ये पावर का ही। इसी के साथ अगर इसका एक वायर देखोगे तो इसका एक वायर यहाँ जुड़ा हुआ है नीचे, देखो जो लाल पीला ब्लैक कलर का वायर है ये इसको पावर देने के लिए। इसके साथ ही इसमें एक लाल केबल लगा रखी है, इसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। देखो दो केबल है, एक करंट के लिए अलग केबल है, एक डेटा के अलग केबल है। ये एक केबल आपका DVD राइटर के एंड में जुड़ी हुई है और दूसरी केबल जो है वो आपकी मदरबोर्ड में जुड़ी है। देखो इसको अपन साटा केबल कहते हैं, यहाँ से डेटा जो है वो रीड होता है, मदरबोर्ड में आता है। सिमिलरली एक और लाल कलर की केबल जुड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे ये लाल कलर की केबल अपन ने हार्ड डिस्क के अंदर लगा रखी है, तो हार्ड डिस्क से डेटा रीड करके अपन यहाँ लाते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो ये पावर की केबल है, ये पावर की केबल क्या करती है, ये पावर की केबल आपको हार्ड डिस्क को पावर देती है। उसी के साथ अगर आप कुछ और केबल देखेंगे, देखो आपको बताता हूं मैं, यहाँ पर एक छोटा सा माइक लगा हुआ है। ये जो माइक है ये छोटी मोटी वार्निंग के लिए, बीप साउंड के लिए यूज होता है, और एक पोर्ट में लगा हुआ है। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पोर्ट हैं, तो यहाँ पे ये वाली पोर्ट लगा हुआ है, इस पोर्ट में लगा हुआ है, इस पोर्ट की कोडिंग होती है। साथ ही इसमें आप ये देखोगे ये कुछ कलर्स आ रहे हैं, ये जो आपका कैबिनेट है इसको अपन कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट के आगे जो पोर्ट मैंने आपको बताई थी उसके लिए है, और ये वाली जो पोर्ट है वो आपकी USB, और एक जो पोर्ट है आपका पावर सप्लाई के लिए होती है जो कि आपके उसमें दे रखी होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी पिन देख रखी है, क्या क्या पिन होती है देखो आपको बताता हूँ। देखो ये जो आपकी पावर सप्लाई है उसका फैन है, इसको अपन SMPS बोलते हैं। जो पावर सप्लाई चलती है तो उसको कूल करता है, इसको कनेक्ट करने के लिए होता है, इसको पावर देने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास पावर केबल है, ये देखिए स्टूडेंट, ये आपकी पावर केबल है। इस पावर केबल को अपन इससे कनेक्ट करते हैं, जैसे इससे कनेक्ट करेंगे अब इसको पावर सप्लाई आप प्लग से जोड़ लेंगे तो इसमें पावर आ जाएगी। आगे देखें यहाँ पर अलग अलग कलर के दो चीजें बनी हुई हैं। ये जो पोर्शन है इसका उपयोग अपन कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। कीबोर्ड अपना ये रहा, ये आपका कीबोर्ड है। इसके अगर आप पिन देखोगे, ये आपकी कीबोर्ड की पिन है, इसको अपन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर अपन इस तरीके से कनेक्ट कर लिया, ये आपका कीबोर्ड जुड़ चुका है, ये सीधा मदरबोर्ड का एंड है। यहाँ पे देखो एक माउस बना हुआ है, ये माउस माउस के लिए होता है, तो इसको अपन माउस से कनेक्ट कर देते हैं। ये अपना माउस है, तो ये माउस देखो दो तरीके के माउस आते हैं, ये USB माउस है और एक इस तरीके का भी माउस आता है, लेकिन अपन USB माउस यूज कर रहे हैं आज। तो देखो ये USB माउस कनेक्ट करके बताता हूँ, तो ये USB पोर्ट होता है, यूनिवर्सल
सीरियल बस जो होती है उसको बोलते हैं यूएसबी, तो यहाँ पे अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया। साथ ही अगर यहाँ देखोगे ये ब्लू कलर का एक पोर्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वीजीए पोर्ट। इसका उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग मदरबोर्ड से जो आउटपुट होता है, डिस्प्ले होता है, वो मॉनिटर को देने के लिए काम आता है। तो ये आपका मॉनिटर है, अगर आप मॉनिटर ध्यान से देखेंगे तो एक ये ब्लू कलर के पोर्ट है, इसको अपन वीजीए पोर्ट कहते हैं। और जैसे अपन ने एसएमपीएस को पावर दिया था वैसे डिस्प्ले को पावर देते हैं, डिस्प्ले को पावर के लिए होता है। तो ये जो आपकी वीजीए पोर्ट है, इस डिस्प्ले की एक पोर्ट, एक एंड अपन ने, एक मुंह अपन ने यहाँ जोड़ रखा है और दूसरा मुंह अपन कहाँ जोड़ेंगे? दूसरा मुंह अपन इसके अंदर जोड़ेंगे। तो इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो इसको अपन ने अच्छे से जोड़ दिया है। तो सीपीयू के अंदर अपन ने सारी चीजें लगभग लगभग जोड़ दी हैं। तो ये आपका सीपीयू था, इसके अंदर और सारी अपन चीजें जोड़ सकते हैं। ये आपका लैन पोर्ट है, लैन पोर्ट का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरनेट चलाने के लिए होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ये लैन पोर्ट है और यहाँ पर हमारे कॉलेज में अगर आप ये देखेंगे तो ये लैन पोर्ट का आईओ बॉक्स है, यहाँ से इंटरनेट आता है। और इस इंटरनेट को मैंने अपने वाईफाई डोंगल मेरे पास है उसमें जोड़ रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा वाईफाई डोंगल है, इस वाईफाई डोंगल के अंदर ये सारी केबल्स आ रही है और इससे वाईफाई ली मोबाइल पे सिग्नल मिल रहा है, इसको आप जानते होंगे। इसी से एक केबल मैंने निकाल रखी है, इसको लैन केबल बोलते हैं। इसको अपन यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको यहाँ अपन ने कनेक्ट कर दिया है तो इसमें नेट भी आ जाएगा, जैसे कनेक्ट होता है इंटरनेट भी इसके अंदर आ गया। अब ये आपको बताने के लिए जो ढक्कन मैंने खोल रखा था उसको मैं बंद कर देता हूँ, तो इसको क्लोज कर लेते हैं अपन। तो ये अच्छी तरीके से बंद हो जाएगा। इसको बंद करने के बाद अपन इसको सीधा रख लेते हैं। तो देखिए ये जो सीपीयू है उसको अपन ने सीधा रख दिया है, साथ ही इसके मॉनिटर को भी अपन सीधा रख देते हैं। तो देखो इसके अंदर अपन ने कीबोर्ड जोड़ दिया है, ये आपका कीबोर्ड है और ये आपका माउस है, दोनों चीजें अपन इसमें जोड़ चुके हैं। तो ये आपका माउस है जो कि अपन जोड़ चुके हैं, इसको मैं वायर को थोड़ा सही कर देता हूँ। तो ये आपका माउस भी जुड़ चुका है, ये आपका कीबोर्ड जुड़ चुका है। तो आपका कंप्यूटर जो है वो पूरा आपके सामने है। इसको अपन बोलेंगे सीपीयू, इसको अपन बोलेंगे मॉनिटर, इसको बोलेंगे अपन कीबोर्ड और इसको अपन बोलते हैं माउस। धन्यवाद विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा आपको कुछ फायदा पहुँचेगा और आप ये समझ पाएंगे कि जो कंप्यूटर होता है वो कब आया, किसके द्वारा प्रथम बार आया, क्या क्या उसकी जनरेशंस थी, कैसा दिखता था, एक बेसिक जो कंप्यूटर है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो अपन ने देखे। साथ ही अपन ने जो सीपीयू होता है उसके अंदर ऐसी ऐसी पार्ट्स होते हैं, आपका एसएमपीएस जो कि पावर सप्लाई होता है, साथ ही डीवीडी राइटर होता है जिससे अपन सीडी को अपन रीड करते हैं, हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर डेटा आपका परमानेंटली सेव होता है, इसके साथ ही आपका रैम होती है और मदरबोर्ड होता है उसके अंदर प्रोसेस होता है और उसके कुछ वायरिंग होती है जो अपन ने आज देखा। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में अपन एक और नए टॉपिक लेके आएंगे जो कि सामान्य जानकारी देगा आपको कंप्यूटर की। तब तक के लिए धन्यवाद।